इतनी औकात थी जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत में हाथ डाला है। नमक हराम 3 नवंबर से जुमा शब 8 बजे। जान, आगु जान, क्या बात है गोलगप्पे? आगु जान, हाथ तो छोड़िए, मेरा आखिरी दिन इधर है। फिर एक काम करना, वापसी पे ना तुम मेरे लिए 2 आइसक्रीम शेक लाना। तुम्हारे दादा जान का ना बहुत दिल कर रहा है। आगु जान, मीठा हाया आपको बना के दे देगी। आप रात को कमरे से मत निकलिएगा और दादा जान से मत मिलिएगा, वरना मैं बहुत टेंशन में आऊंगा। समीर, इन सब का फायदा नहीं है अब। आगू जान के मसले में देख लूंगी। अब तुम मेरे से ऐसे बात करोगी? और कैसे बात करूं? चची, आप ये देख रहे हैं, आप ये उम्मीद की तरह जंगली बिल्ली बन गई है। हया! समीर! आ गई अपनी जंगली बिल्ली। किधर है मेरी नई मामा? आपने रुखसती भी कर ली क्या? मुझे तो बता दिया था, कम से कम मैं अपना शादी का जोड़ा एक बार दोबारा पहन लेती। कौन सा शादी का जोड़ा? यहाँ तो शोक का माहौल है और रुखसती ना ये सिर्फ समीर की हो रही है, वो भी दुल्हन के बगैर। क्या समीर, तुम वाकई कनाडा जा रहे हो? आमीन। लेकिन क्यों? तुम्हारी स्टडीज चल तो रही है, कंप्लीट हो जाएंगी, डिग्री भी मिल जाएगी, फिर क्या मसला है? हाँ, मगर अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो तुम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम सबको छोड़कर चले जाओगे? हया को छोड़कर चले जाओगे? चाचू किधर है? पाशा साहब किधर है? चाचू, चाचू! अरे उम्मीद, तुम कब आई? इस तरह इधर आ जाओ। चाचू, आपके होते हुए समीर कैसे जा रहे हैं? आपने इजाजत कैसे दी? इसे जाने दो पाशा साहब। मेरी बात सुने, हम पाशा साहब से बात करेंगे, पाशा साहब मान जाएंगे, हम समीर को रोक लेंगे। नहीं जाएगा समीर। पाशा साहब की मुश्किलों में और इजाफा करना चाह रही हो तुम? कौन सी मुश्किलात? मैं बता दूंगा ना, रिलैक्स, अभी तो अभी जाने तो दो इसको। नहीं, मुझे पहले बताएं सारी बात। हेलो परजाद, तुम्हें पता चला? यस, पाशा साहब ने दोबारा शादी कर ली है। क्या? जानी उम्मीद रोते हुए घर चली गई है। एंड यू नो, मैं तुमसे हमेशा कहती थी कि इस फैमिली में कुछ न कुछ अनयूजुअल होता ही रहता है। ना मुझे समझ आए, ये पाशा साहब मुझसे बिना वजह उलझते क्यों रहते थे? उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा नो, और उम्मीद अब तो रियल लाइफ सिंड्रेला बन गई है। तो भाई आ भी जाओ, देर हो रही है। सामान रखो। समीर, आराम से, आराम से। हाँ जाओ। I'm sorry, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। तुम एक बार कह दो, I promise हम तुम्हें रोक लेंगे। मैं ना खुद जाना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम नहीं जाना चाहते हो। सच बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। नहीं उम्मीद, मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं वापस बात करती हूँ। नहीं उम्मीद, बाय। चलो भाई, चलो, देर हो गई ना। चलो बस बस, दरवाजा खोलो। Thank you.
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचू, आपने समीर को कैसे जाने दे दिया है? पर चाची, आपने एक बार भी हया के बारे में नहीं सोचा, और आगुजान आपने भी नहीं रोका। अरे भाई, मैं क्या रोकती? मैं तब रोकती ना जब मुझे कुछ पता चलता। कमाल पाशा बस टिकट खरीद लाया और थमा दिया समीर के हाथ में। एक सेकेंड, कहीं पाशा साहब ने समीर को इस वजह से तो नहीं भेजा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते? अरे नहीं भतीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचू, मैं आपको बता रही हूँ, बात यही है। और मैं उम्मीद तुम्हें बता रहा हूँ कि पाशा साहब इस बार बहुत मजबूर थे। कौन सी मजबूरी? फिलहाल पाशा बता भी दीजिए ना सच सबको। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग ये जो सस्पेंस फैला रहे ना, ये मत फैलाएं, मुझे बता दें क्या बात है। उम्मीद कि पाशा साहब ने बहुत कर्जा लिया था और जिसकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनको समीर को भेजना पड़ा यार। लेकिन कर्जा लिया क्यों है, उनको जरूरत क्या थी? अब एक लफ्ज और नहीं कहना, तुम्हारी शादी के लिए कर्जा लिया था। सुन्नत, मेरी शादी? मतलब वो जितने भी इवेंट्स हुए थे वो कर्जे के पैसों से हुए थे? और समीर इसलिए जा रहा है ना ताकि वो बाबा का कर्जा उतार सके? अरे उसको तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। समीर को सब पता है, मैंने बता दिया था उसे। ये ना तुम्हारे पेट में कभी बात रह सकती है कि नहीं? आपके पेट में कुछ रहता है? मेरे पास भागे भागे आए थे ना बताने के लिए कि क्या हुआ है। आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तो खुश हूँ समीर ने जो फैसला लिया, अकलमंदी से लिया और बेहतर फैसला किया उसने। अम्मी, ये फैसला समीर के लिए ठीक नहीं है। वो कैसे? कि मैं बताती हूँ, मेरी कॉल आ रही है, मुझे कॉल उठानी है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉर्ट कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और पाशा साहब ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। हाँ, लेकिन मशवरा तो कर सकते थे ना। अरे चलो, जो भी होना था हो गया, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। समीर और हया इस बात पर राजी नहीं है। क्यों, हया को क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता तुम सारी लड़कियों को सासों से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सास? मैं यहाँ पर समीर के लिए परेशान हो रही हूँ और आप सास बहू के किससे लेकर बैठ गए? समीर को क्या प्रॉब्लम है? समीर का ही तो प्रॉब्लम है, आप पाशा साहब से बात करें। नहीं तो मैं पाशा साहब से इस मामले में क्या बात कर सकता हूँ? ठीक है, मैं समीर को ना खुद रोक लूंगी। क्यों, कहाँ जा रहे समीर? पापा उसको वापस कनाडा भेज रहे हैं। व्हाट? और अलाफिस, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अच्छा बेफिक्र होकर तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। मैं पाशा साहब से बात करना कैसे भूल गया? मुझे खुद ही करना होगा। फोन का सर्विस ही नहीं आ रहा। अरे
बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। अरे बाबा आप क्यों उठा रहे हैं? मैं उठाता हूँ ये बैग, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने समझदार हो गए। अपना ख्याल रखना बेटा, आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूं। नहीं पापा मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। ओके, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अंकल, आप कहाँ हैं? बेटा मैं समीर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके अब घर जा रहा हूँ। खैरियत? अंकल मुझे आपसे मिलना है, आप प्लीज एयरपोर्ट पे मेरा वेट करें, मैं बस आ रहा हूँ। क्या बात है फरजाद, सब ठीक है ना? नहीं अंकल अर्जेंट बात है। आप एक काम करें, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही कॉफी शॉप है, वहाँ पे वेट करें, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है मैं आता हूँ बेटा। ओके वापस। समीर का नंबर भी इसी वक्त ऑफ होना था, बाइक तो नहीं बोर्ड कर ली। समीर अगर तुमने फ्लाइट बोर्ड नहीं की तो फ्लाइट बोर्ड मत करना, मैं पाशा अंकल से बात कर लूंगा, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा, आई फिक्स एवरीथिंग, तुम प्लीज फ्लाइट बोर्ड मत करना। कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा कि समीर इतना डरा सहमा चुप क्यों रहता है? पता होना चाहिए था ना पाशा अंकल, समीर इतना एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है? आप ही बात जानते हैं कि अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, उसकी पर्सनालिटी दब गई है, बहुत कुछ सोचता है वो। वो कभी अपने माइंड से निकाल ही नहीं सका। अम्मी के बात से ना समीर का बचपन एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गुजरा है। आशा अंकल उसने अपना पूरा बचपन अपने घर से बहुत दूर गुजारा है, बगैर अपनी फैमिली के। और वो शीन पोपो के घर पे भी ना एक बेकार चीज बनकर रह गया, जिसकी वहां किसी को कोई जरूरत नहीं थी। और फैमिली से दूरी की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो बैठे हैं, उसमें हिम्मत ही नहीं है की बात करने की, उसे खुद पर कोई एतमाद ही नहीं है। कभी आप में से किसी ने जाकर देखा कि वो वहां पर कैसी जिंदगी गुजार रहा था? उसकी वजह से उसके एकेडमिक्स में भी फर्क पड़ा है, अब देख लो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। यहाँ पर आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, और उसको सबसे ज्यादा हया की जरूरत है, और अब आप उसे फिर दोबारा वापस भेज रहे हैं। आशा साहब अपनों का साथ इंसान को हिम्मत और खुद एतमादी देता है, और अकेलापन ना सिर्फ डिप्रेशन देता है। आशा अंकल आई नो बीइंग हिज फादर आप उसके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान है, लेकिन मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। पता नहीं मैंने समीर के साथ ऐसा क्यों किया, एहसास ही नहीं हुआ कि उसे इतना दूर भेज रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो दूर जाकर अपना गम भूल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसको उसकी माँ के साथ साथ उसका बाप भी उससे छीन रहा हूँ। आशा अंकल
वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, मगर अब आपको वो करना है जो उसके लिए ठीक है। अब हम कर भी कह सकते हैं बेटा, अब तक तो फ्लाइट जा चुकी हूं। और एक सेकेंड, पाशा साहब ने कर्जा मेरी शादी के लिए लिया था ना, तो कर्जा भी मैं उतारूंगी। समीर ये जिम्मेदारी क्यों पूरी करेगा? और वैसे भी अब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, मैं कर्जा उतार सकती हूँ। अच्छा करना क्या है? हम सब चलते हैं, हम समीर को रोक लेंगे। हाँ लेकिन अब तो वो पहुंच चुका होगा एयरपोर्ट लाउंज में। हाँ लेकिन बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुई होगी ना। गुड़िया क्या हम भी बोर्डिंग करेंगे? हाँ गुस्ताना हम बोर्डिंग नहीं करेंगे, हम समीर को बोर्डिंग करने से रोकेंगे। ऐसा हो सकता है? फिल्मों में तो होता है। हाँ तो देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं। चले चले। लेकिन एयरपोर्ट में हमें अंदर जाने कौन देगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। टेक ऑफ का वक्त हो रहा है, मैं समीर को नहीं जाने दे सकती। जल तू जला तू आए बुरा तू डाल तू, अल्लाह जी हेल्प करे ना। बहुत कम टाइम रह गया, अब तो प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा। का नंबर भी बन जा रहा है। वैसे अल्लाह बख्शे तुम्हारे आप रहने देना, उनका नाम मत ले, वो यहीं पे ना आ जाएं। हैं? दादा जान कैसे आ जाएंगे यहाँ पे? आजकल आ जाते। अरे दादा जान को छोड़े तो। पाशा साहब बाबा प्रजात आप समीर चला गया क्या? आरजू के यूं अचानक चले जाने के बाद मोहब्बतों और रिश्तों और खुशियों से मैं दूर भागता गया। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी भी अच्छा बाप नहीं बन सका। इतनी गलतियां की हैं कि भी एहसास ही नहीं हुआ। नहीं पाशा अंकल ऐसी बात नहीं है, एक बेहतरीन बाप है। आया बेटा, समीर के साथ साथ मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा। नहीं पाशा साहब ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद समीर तो मुझसे नाराज होकर चला गया, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं बाबा मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती कभी भी, पर समीर और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। मामा के जाने के बाद हमें लगा था कि हमने आपको खो दिया, फिर हम सो हैप्पी अब हमारे साथ। आज मामा भी होते।
कौन है? लगता है जलाल पाशा आ गए। जलाल पाशा कौन है? अरे शहजादे, वो उम्मीद के दादा जान हैं। हैं? हाँ, वो आजकल वापस आए हैं। वापस आए हुए हैं? कहाँ गए हुए थे? पहले ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे? इससे पहले मुलाकात नहीं हुई, शादी पे भी नहीं आए थे। मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। अब मुलाकात का शौक पूरा कर लेना। जीने तो मजाक कर रही है सीने, क्या हो गया तुम्हें? दादाजी का क्या सीन है? और फरजाद बेटा सब ठीक है ना? जी अंकल सब ठीक है। आप दादा जान वापस आ गए? वापस आ गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबका वहम है। तो हिलाल पाशा ने अफवाह उड़ा दी थी। नहीं नहीं, मैंने नहीं उड़ाई। तो ये कैसी आवाज थी? हिलाल पाशा जाओ तुम देखो। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सब इकट्ठे जाके देख लेते हैं। फरजाद के साथ बैठे बातें कर रहा हूँ, क्या हो गया? तो फरजाद आप भी चले ना साथ। हाँ हाँ, ये सही। आओ फरजाद। फरजाद भी? जी अंकल। ठीक है, आओ आओ बेटा आओ। आजे आजे, कौन है? मुझे लग रहा है आवाज इस कमरे से आई है। नहीं उम्मीद, मुझे लगा मेरे रूम से आवाज आई थी। अरे भाई, तुम लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? जलाल पाशा ही तो हैं। आ जाओ मेरे साथ। आप आपकी अच्छी बातचीत है ना? जी जी, आप मेरी तरफ से आप ही उनकी तबीयत पूछ रहे, मुझे जरा नीचे काम है। यहीं खड़े रहो। जलाल पाशा, लेकिन ये अंदर कोई नजर तो आ नहीं रहा। वो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ आप जाकर दिखाई देते हैं। क्या कह रही हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पाशा साहब, तो अंदर जाके देख लेना फिर। चले ना। मैं क्यों जाऊं? जलाल पाशा, जलाल पाशा। अरे कहीं ये लॉन में तो नहीं चले गए? मैं अभी आया। जरा आगू जान, आगू जान, आगू जान ठीक ही लग रही हैं। मुझे लगता है बिला वजह पंगे में पड़ने की जरूरत नहीं, हम नीचे चलते हैं सबके साथ। उम्मीद सबके साथ ऊपर आएंगे ना? अरे देख तो ले। नहीं आ, आ जा आ जा। ये क्या चल रहा है? हम तो दो दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, क्या हो गया तुमको? फरजाद बेटा आओ बैठो, ये तो बस यूं ही। अरे यूं ही नहीं पाशा साहब, आगो जान के साथ कमरे में वो ही है। चुप कर जाए ना, फरजाद के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वही कौन? तुम्हें पता है दा जान आते हैं दूध के रूप में आगू जान से मिलने। हैं? सिर्फ आते नहीं, तोहफे भी लेके आते हैं। दादा जान आते हैं क्या दूध के रूप में? ये क्या बकवास है? मैं कसम से सच कह रही हूँ। बेटा फरजाद, इनकी बातों में ना आना, ये मजाक कर रहे हैं। उम्मीद तुम फरजाद को लेके जाओ ना बाहर। आए फरजाद हमारे साथ। आपके तो अब्बा जान है ना, जाकर बात करने की कोशिश करें। अरे भाई कौन से अब्बा जान, जो नजर ही नहीं आते। अरे आप ना खड़ो के बातें करते रहेंगे, ऊपर चल के देखेंगे भी आगू जान को, शाम से ऊपर अकेली है। पता पहले तो मगरिब के बाद आते थे वो, आज जल्दी आ गए, कुछ जरूरी बात करने आए होंगे ना, सब चलते ऊपर।
पाशा साहब आप भी चलें। नहीं मेरा क्या काम है ऊपर? चलें। नहीं नहीं ये क्या मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर। पाशा साहब कैसे नहीं चलें ना पाशा साहब? आप बड़े हैं ना, चलें। कमाल है। कुजान, प्लीज किसी को बताइएगा नहीं कि मैं आया हूँ। ठीक है मेरे गोलगप्पे, मगर तुम 2 घंटे मुझे और अच्छे से दबाओ। पाशा साहब दरवाजा तो बंद है। आगुजान, आगुजान आप सोने के एक्टिंग कर ले, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लगता है आप बाजी अंदर ही हैं। तुम तो चुप करो ना। आगुजान हम अंदर आ जाएं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम अंदर जा रहे हैं। आ जाओ। अच्छा दादी। आगुजान, आप शाम से यहाँ क्या कर रही हैं? और कौन है यहाँ? वो यही है। कोई भी नहीं है यार यहाँ। देखते हैं ना। समीर, तुम कह रहे हो? पर याद नहीं है इतने प्यार से मैसेज कॉल किए मैं बस। इधर आओ। और प्लीज मैं जान दिएगा मैं फिर मिस कर दिया। नहीं बेटा, मैं नहीं जाता। तुम अगर चले जाते ना मेरा पता नहीं क्या होता। और आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे सामने। आओ बेटा। मत करो, अल्लाह मालिक है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम मेरे पास आ गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, उम्मीद और फरजाद को पता नहीं चलना चाहिए बेटी की इज्जत का मामला है। मैं नहीं बताऊंगा। पाशा साहब, उम्मीद लोन के बारे में सबको जानती है। थैंक यू फरजाद, आप जिस तरह से मेरी फैमिली को ओन करते हैं सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है। थैंक यू कहने वाली क्या बात है, ये मेरी भी तो फैमिली है। तो तुम खुश हो ना समीर के वापस आ जाने से? बहुत खुश हूँ, समीर मेरे लिए बहुत अहम है। जिस तरह आपने उसे रोका, बाबा को कन्विंस किया, मुझे आपसे ना एक बार फिर मोहब्बत हो गई। हाँ लेकिन मुझे तो तुमसे रोज मोहब्बत होती है, जबकि मुझे तुम पे गुस्सा करना चाहिए। क्यों? ये पाशा साहब की शादी किसने करवाई थी? वो गलती गलतफहमी हो गई थी। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? वही जिन्हें तुम घर पे बना कर आई हो। अब चलें। फरजाद,
आज रात मैं यहाँ रुक जाऊँ? तुम्हारी मर्जी है, तुमने रुकना तो रुक जाओ। आप नाराज तो नहीं होंगे? मैं क्यों नाराज होऊंगा, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि पता है, काम करूँ तुम आराम से यहाँ पे रुको, ताकि मैं घर जाके जरा सिंगल लाइफ एंजॉय करूँ, अपने घर में अपने कमरे में जरा बगैर मेस के रहूँ। आपका मतलब है कि सारा मेस कमरे में मैं फैला? नहीं तो और कौन फैलाते? हाँ तो कभी कभी चलता है जी, कभी कभी चलता है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, कह रही हूँ ना कि नहीं करूंगी, आज से आप एक नई उम्मीद को देखेंगे। वैसे कभी कभी तो हैरान ही कर देती हो। वो कैसे? पहले यहाँ पे रुकने की इजाजत मांग रही हो, अच्छी बनने के बातें कर रही हो, सब ठीक है ना? ये कौन सी नई उम्मीद है, क्या इरादे हैं? इरादे नेक लग तो नहीं रहे। आप जा रहे थे ना, चले जा रहे। मैं गरीब गरीब तुम्हारी मोहब्बत में सर का पैर डूबा हूँ, अब और अच्छी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या हाल होगा? पर जहाँ मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, जाए चले 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 चार जा लाओ फिर भागल। जी छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, आओ ना थोड़ी देर बैठ के बातें कर। नहीं मुझे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर, चल थोड़ी देर तो वापस नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज। आ जाऊं? कैसी हैं आप? गुड। प्रजात सो गया? भाई तो सो गए, लेकिन आप जरा मुझे बताएं आपको क्या हो गया? आपको भी उम्मीद वाली आदतें पड़ गई, चीजें अज्यूम करने वाली और कहानियां बनाने की। मतलब माँ आपने पाशा साहब की शादी करा दी है। मैंने या उम्मीद ने? माँ प्लीज बस कर दे, आप भी उम्मीद से कम नहीं है कोई इस डिपार्टमेंट। ठीक है उम्मीद तो ख्याल आया था, लेकिन आपने तो पूरी कहानी क्यूरेट की है और पता नहीं आप उसको किस लेंथ तक ले गई हैं। माँ प्लीज अब उम्मीद को एक्सेप्ट कर लें बहू के तौर पर, इट्स हाई टाइम। अच्छा मैं फिलहाल जा रही हूँ, वेरी एक्साइटेड, आज मेरे ड्रामे की लास्ट एपिसोड है।